प्रदेश में 70वीं विधानसभा के गठन से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा से मोह भंग हो गया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा प्रेषित किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को इस्तीफा देने के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। कुशीनगर के पडरौना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले मंत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वह पडरौना से लगातार 3 बार से विधायक हैं। 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस प्रणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आपको टिकट देगी, आपके बेटे को टिकट देगी या बेटी को? अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 फीट टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का, जल्दी बताओ, और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल नहीं आ रहा है, लो नहीं आ रहा है, कशक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। मायावती के सवाल पर मुस्कुरा रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने की बात, ऐसा तो नहीं है? लगाव उधर ज्यादा नहीं, अभी बातचीत होने दो। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों आएंगे, की वार और आगे की धार देखते रहिए। एक दो दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक दो दिन के अंदर बड़ा विकेट गिरा भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा साइकिल पर, क्योंकि बड़े सवाल यही है कि कहीं साइकिल की सवारी तो नहीं कर रहे हैं? साइकिल की सवारी या फिर एक दो दिन इंतजार करिए, सारी स्थितियां अपने आप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए? एक दो दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है।